आपको अगर जिंदगी में सफलता पानी है तो ये दो बातें हमेशा याद रखना। फर्स्ट है, इंस्टेंट रिवॉर्ड की चाह छोड़ दो। सब लोग जिंदगी में इंस्टेंट रिवॉर्ड चाहते हैं, यानी कि किसी भी काम के बदले मिलने वाला फल उनको तुरंत चाहिए। अगर आप जिम ज्वाइन करने जाओ तो आपको हमेशा ईयरली मेंबरशिप मंथली मेंबरशिप से बहुत ज़्यादा सस्ती मिलेगी, क्योंकि फिट होने के लिए जिम ज्वाइन करने वाले 95% लोग 7 दिन के अंदर ही जिम जाना बंद कर देते हैं। और इसका कारण ये है कि वो सोचते हैं कि बॉडी तो बन ही नहीं रही, और जिम वाले ये जानते हैं इसलिए साल भर की फीस पहले ही लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सबको इंस्टेंट रिवॉर्ड चाहिए। बिजनेस स्टार्ट करने वाले लोग 2 महीने में ही बिजनेस बंद कर देते हैं ये बोल के कि प्रॉफिट तो हो ही नहीं रहा, क्योंकि स्टार्ट में जो रिवॉर्ड मिलता है वो इतना छोटा होता है कि दिखता ही नहीं है, लेकिन मेहनत करते जाओ तो एकदम से बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलता है। सिगरेट पीने से कैंसर होने का खतरा होता है, लेकिन फिर भी लोग पीते हैं क्योंकि इंस्टेंटली रिजल्ट नहीं दिखता। उनको ये बता दिया जाए कि आज सिगरेट पियोगे तो कल ही कैंसर हो जाएगा, तो पूरी दुनिया में कोई सिगरेट नहीं पिएगा, लेकिन वो ये सोचते हैं कि आज पिया तो कुछ नहीं हुआ, कल भी कुछ नहीं हुआ, परसों भी कुछ नहीं हुआ, मतलब कुछ नहीं होगा। दुनिया के सारे लोग जिम ज्वाइन कर लें अगर उनको ये बता दिया जाए कि कल ही वो एकदम फिट हो जाएंगे, लेकिन कुछ दिन तक कोई फर्क नहीं दिखता तो वो जिम छोड़ देते हैं, क्योंकि सबको इंस्टेंट रिवॉर्ड चाहिए। उनकी ये सोच होती है कि आज कुछ मेहनत की तो कल उसका कुछ तो असर दिखना चाहिए, चाहे 1% ही दिखे, लेकिन दिखना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि शुरू में तो 0 ही दिखेगा। जब डॉग को ट्रेन किया जाता है तो उसको कोई भी एक्शन करने के लिए रिवॉर्ड दिया जाता है। जैसे ही वो कोई एक्शन करता है तो उसको बिस्किट दिया जाता है, जिससे उसको इंस्टेंट रिवॉर्ड मिलता है। इस तरह से वो बिस्किट खाने की इच्छा में जो उसको इशारा किया जाए वही एक्शन करता जाता है। इंसानों के लिए वो बिस्किट सोशल मीडिया है। व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर मैसेज चेक करके हमको वो इंस्टेंट रिवॉर्ड मिलता है, और हम वो रिवॉर्ड लेने के लिए बार बार सोशल मीडिया का यूज़ करते जाते हैं। इंस्टेंट रिवॉर्ड मेहनत करने की इच्छा को ख़त्म कर देता है और ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। इसलिए सही आदतें बनाओ और उनको करते जाओ। ये मत सोचो कि रिज़ल्ट कब मिलेगा। रिज़ल्ट के बारे में सोचने से रिज़ल्ट नहीं मिलता, बस वो करते जाओ जो सही है, फिर रिज़ल्ट मिलना तय है। सेकंड है, जितनी मेहनत करोगे उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। आप कभी भी देख लेना, टॉप करने वाला स्टूडेंट कभी भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं होता। टॉप बिजनेसमैन बड़ा प्रॉफिट होने पर खुशियाँ नहीं मनाता, जबकि एक ऐसा आदमी जिसको लॉटरी लगी हो वो खुशी से नाचने लगता है, क्योंकि टॉपर स्टूडेंट को जो रिज़ल्ट मिला है उसने उससे ज़्यादा की मेहनत की थी, इसलिए उसको पता होता है कि ये रिज़ल्ट तो आना ही था। जो बिजनेसमैन अच्छा प्रॉफिट पाता है वो इतनी मेहनत करता है कि उसको वो प्रॉफिट नॉर्मल ही लगता है, जबकि लॉटरी बिना मेहनत के लग गई इसलिए लॉटरी लगने वाला खुशी से पागल हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि लोग मेहनत बहुत कम करते हैं और बहुत ज़्यादा रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन करते हैं, और वो रिज़ल्ट नहीं मिलता तो काम करना ही छोड़ देते हैं। जितनी सक्सेस चाहिए उससे ज़्यादा की मेहनत करो। स्टार्स तक जाने की मेहनत करो तो मून तक तो पहुँच ही जाओगे, मून तक जाने की मेहनत ही करोगे तो नहीं पहुँच पाओगे, क्योंकि लॉटरी लगने का चांस तो ना के बराबर ही होता है। इंस्टेंट रिवॉर्ड की अपेक्षा मत करो, और जितनी सक्सेस पाना चाहते हो उससे ज़्यादा की मेहनत करो तो सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।